आज हम बनाएंगे और एक इजी बीटरूट स्नैक रेसिपी, यानी कि चुकंदर की रेसिपी, जो बहुत ही आसान है और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। यानी कि बीटरूट के मोमोज इतने बढ़िया बनते हैं कि बच्चे इसको खाना बहुत ही पसंद करेंगे। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हे फ्रेंड, मैं हूं रूपाली एंड वेलकम बैक टू माई चैनल आर ग्राउंड रेसिपीज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल आर ग्राउंड रेसिपीज़, और हाँ, साथ ही में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे हर नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है लगभग 1 कप मैदा। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, इसको एंड तक ज़रूर देखें। फिर मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच ऑयल, इसको भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बनाया है अंगूर का जूस, उसकी लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे दी है। तो इसको मैंने इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए इसका चपाती के जैसे डो बना लेंगे। चुकंदर के मोमोज बहुत ही बढ़िया लगते हैं स्वाद में। आप एक बार बनाएंगे तो इसको हमेशा बनाएंगे, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो ये हमारा आटा बनके तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऊपर से ऑयल लगा लेंगे और इसको फिर से थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे, और इसको प्लेट में साइड में रख देते हैं। तब तक हम बाकी की प्रोसेस कर लेते हैं। ये यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा ऑयल, आप चाहे तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने 2 ग्रीन चिलीज को बहुत ही बारीक कट कर लिया है, और साथ ही मैंने डाला है 1/2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको थोड़ा सा भुनने देते हैं, हल्का सा मिक्स करते हुए। फिर हम इसमें डालेंगे 1 प्याज, इसको मैंने इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है। इसको भी अच्छे से मिलाएंगे और थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक इसको भी पकाएंगे। ये देखिए, अब ये खुला खुला सा हो गया है और हल्का सा सॉफ्ट भी होने लगा है, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 1 शिमला मिर्च, इसको भी मैंने इस तरह से बारीक कट कर लिया है। इसे भी हम हल्का सा ही फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे दोनों भी चीज़ों को। जैसे ही शिमला मिर्च भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, फिर हम इसमें डालेंगे हमारे और बढ़िया इंग्रेडिएंट, जैसे कि ये सोया सॉस। मैंने 1 चम्मच सोया सॉस इसमें डाला है, और साथ ही में मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच रेड चिल्ली सॉस। अगर आपके पास रेड चिल्ली सॉस नहीं है तो कोई भी टोमेटो सॉस आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट तक इसको पकाएंगे। इसको हम बिल्कुल भी ढक के नहीं पकाएंगे इस पूरी प्रोसेस को। और यहाँ पे मैंने लिया है लगभग 1 कप चुकंदर, इसको मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक, इसको फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको मीडियम फ्लेम पे लगभग 5 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही बिना ढके पकाएंगे, ओवर कुक नहीं करना है बिल्कुल भी। और बाकी की प्रोसेस कर लेते हैं अभी गैस को बंद करके। तो यहाँ पे मैंने इस आटे में से इस तरह से छोटे छोटे से ऐसे गोले बना लेने हैं, और इसको हम बेल लेंगे पतला सा। ये हमने मैदे का आटा लिया है, तो इसमें हमें ऑयल या फिर सूखे आटे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आसानी से इस तरह से हम इसको रोल कर पाएंगे, और फिर हम इसमें ये चुकंदर की स्टफिंग भर देंगे। इसको थोड़ा सा इस तरह से खुला कर लेंगे सारी साइड से, ताकि हमें फोल्ड करने में आसानी हो। ये देखिए, इस तरह से इसमें प्लेट्स बनाने हैं। मैं फिर से एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से बहुत ही आसान है ये प्लेट्स बनाना। बस इस तरह से एक पे एक रखते जाना है इस तरह से। वो देखिए कितनी बढ़िया प्लेट्स बन रही है, और बहुत ही आसानी से बन जाती है। जैसे ही पूरी प्लेट्स हो जाएंगी, हम क्या करेंगे, जो ऊपर ये आटा बचा है इसको इस तरह से दबा देंगे, और जिस डायरेक्शन में हमने प्लेट्स बनाई है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको थोड़ा सा घुमाएंगे, और जो ऊपर ये आटा है उसको नीचे दबा के इस तरह से अच्छे से चिपका देंगे, ताकि ये खुले ना।
इस तरह से। ये देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको ये कैसे बना है। ये देखिए कितने आसानी से बना लिया है हमने, बहुत ही आसान है। इसी तरह से हम सारे मोमोज बना लेंगे। और फिर मैंने यहाँ पे एक पतीला लिया है, इसमें मैंने लगभग 1 से 1.5 गिलास पानी डाल दिया है। और इस पर हम इस तरह से छन्नी रख के इसको स्टीम करेंगे मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट तक, अच्छे से ढक के इसको कुक करेंगे। अब 15 मिनट हो गए हैं, ये देखिए कितने बढ़िया से हमारे मोमोज कुक हो गए हैं, अच्छे से पक गए हैं। और ये देखिए इस पर बीटरूट का कितना बढ़िया सा रंग आया है। तो इसको गर्मा गर्म सर्व करें टोमेटो केचप या फिर शेजवान चटनी के साथ, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो आज हमने बनाए बीटरूट मोमोज। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे इस मंगलवार ऐसी ही और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू माई फ्रेंड।